हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी विशेष सत्र रखा गया। सत्र में हिमाचल निर्माता और कांग्रेसी नेताओं का जिक्र न होने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल का निर्माण करने वालों का कहीं भी चर्चा में उल्लेख नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी का नाम बार बार लिया गया। विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस के नेताओं जिनका हिमाचल के निर्माण में योगदान रहा कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। भाजपा की सरकारें बताएं कि मोदी का हिमाचल के निर्माण में क्या योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार स्वर्णिम रथ यात्रा के नाम पर इतिहास से छेड़छाड़ करेगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल टनल की शिलान्यास पट्टिका हटा दी गई, कांग्रेस ने इसके लिए आंदोलन किए, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे रिस्टोर करने की बात कही, लेकिन आज दिन तक इसे नहीं लगाया गया। वहीं कुल्लू जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पूर्व प्रधान परशुराम के ऊपर हुए हमले के बाद उनकी पीजीआई में मौत हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसकी निंदा की है। उन्होंने बताया कि वह पीड़ित परिवार से मिले। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें हमले का पहले से अंदेशा था और पुलिस को इसकी जानकारी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि परिवार दलित वर्ग से संबंधित है, इसके तार मुख्यमंत्री के कार्यालय से जुड़े हुए हैं, जिससे मामले को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने इस पर न्यायिक जांच की मांग भी की है। देखिए, अभी एक मामला तो कांगड़ा में हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनपे जो है उनके साथ धक्का मुक्की हुई जगजीवन पाल जी से, और हमने वहां जाके जो है प्रोटेस्ट किया। अभी जो दूसरी घटना आई है कुल्लू में, हमारी पार्टी से जो जुड़े एक दंपति जो पूर्व में दोनों प्रधान रहे हैं पंचायत के, उन दोनों पे कातिलाना हमला हुआ। जो पति परशुराम उनकी जो है मृत्यु होगी और जो पत्नी है वो अभी विचाराधीन। अभी मैं कुल्लू में जब दौरे पे था तो मैंने अस्पताल जाके जो है योमा देवी उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने मुझे पूरी दास्तान बताई और ऐसी बातें मुझे बताई जिससे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि की संज्ञा देते हैं, क्या इस तरह की वारदातें यहाँ हो सकती है। हमने आज जो है यहाँ पत्र कार्यवार्ता के जरिए जो है हमने मांग की है कि जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि उस महिला का ये आरोप है किस मामले को दबाया जा रहा है, लिपापोती होने का प्रयास हो रहा है। तो आज हमारे पार्टी के जो दलित वर्ग से संबंधित हमारे नेता हैं, डॉक्टर कर्नल शांडे, कुलदीप कुमार जी जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, मंगूराम मुसाफिर जी जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और वीरू राम किशोर जी, ये सारे इकट्ठे थे, नंदलाल जी जो हमारी पार्टी के विधायक हैं। तो हमने ये मांग की है और हम सोमवार को जो है राज्यपाल महोदय से समय ले रहे हैं। अगर हमें समय मिलता है तो हम जाके, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो जाके मिलके जो है ये मांग जो है रखेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मांग पे जो है विचार होगा। सर, और जहां मैंने कही है जब मैं कुल्लू में था, क्योंकि जो कमाने वाला है वो तो उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, उनके दो बेटे हैं, तो हमारी सरकार से ये भी मांगे कि कम से कम उनके एक बेटे को जो है नौकरी मिले, ताकि जो है वो पढ़ा लिखा है, ताकि उस परिवार के साथ जो है न्याय हो सके। कार्यक्रम का आयोजन हुआ, अच्छी बात है, महामहिम राष्ट्रपति आए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से वहाँ जो चर्चा हुई, जो भी जिन भी बड़े नेताओं ने भाषण दिए, कहीं भी श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब वो 26 जनवरी 1971 को शिमला आई रिज मैदान पे, उस दिन हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूरे संबोधनों से उनका नाम गायब था। उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री रहे, चाहे राजीव गांधी जी रहे, नरसिम्हा राव जी रहे, उनके योगदान की कोई चर्चा नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का इतना ज्यादा योगदान रहा है, उनके नाम की चर्चा क्यों नहीं हुई, हमारा ये प्रश्न। रोहतांग टनल को लेकर प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा होती रही, उद्घाटन करने आए, लेकिन जिन लोगों ने शिलान्यास किया, जिनके समय में शिलान्यास हुआ, जिन्होंने जो है धन आवंटित किया इस टनल के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी कोई चर्चा नहीं हुई।
तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। 50 वर्ष में अगर आपको बात करनी है तो आप सबके योगदान की चर्चा करो। हिमाचल के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल के निर्माता डॉक्टर परमार है, ठाकुर रामलाल जी भी मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल की बहुत ज्यादा तरक्की की, धूमल साहब भी रहे हैं, शांता कुमार जी भी रहे, उनका भी योगदान रहा है, हम ये नहीं कहते। लेकिन किसी के योगदान को आप बढ़ा चढ़ा के बात करते, किसी के योगदान को आप छोटा साबित करते, ये ठीक नहीं है। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो बयान होनी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।